गांव की अर्थव्यवस्था की एक और अहम कड़ी है हमारे लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई। बदलते हुए समय में इनकी मजबूती भी आप सभी साथियों से जुड़ी हुई है। अब जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की ही बात लीजिए, देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति पाने का संकल्प लिया है ताकि अपने पर्यावरण को, हमारे पशुओं, हमारी मछलियों को, हमारी मिट्टी को हम बचा सकें। लेकिन प्लास्टिक का सस्ता और टिकाऊ और कुछ नया विकल्प तो आपको खोजना होगा। मेटल हो, मिट्टी हो या फिर फाइबर, प्लास्टिक का विकल्प आपकी प्रयोगशाला से ही निकलेगा। प्लास्टिक वेस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से मेटल को निकालने और इसके रीयूज को लेकर भी हमें नई तकनीक, नए समाधान की जरूरत है। आप जो समाधान देंगे वो समाधान हमारे ये लघु उद्योग, हमारे मिट्टी के कलाकार, लकड़ी के कलाकार बाजार में उतार पाएंगे। इससे पर्यावरण भी बचेगा और हमारे लघु उद्योगों का विकास भी होगा। साथियों, गांवों में ग्रीन, सर्कुलर और सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए समर्पित स्टार्टअप्स के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। फसलों के अवशेष और घरों से निकलने वाला कचरा भी प्रदूषण और गंदगी को लेकर चुनौती पैदा कर रहा है। इस वेस्ट को भी हमें वेल्थ में बदलने के लिए तेजी से कोशिश करनी होगी। हमारा प्रयास है कि साल 2022 तक हम कच्चे तेल के आयात को कम से कम 10% कम कर सकें। लिहाजा बायोफ्यूल, इथेनॉल निर्माण के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए बहुत संभावनाएं हैं। ऐसे में इंडस्ट्री आधारित रिसर्च को हमें अधिक प्रोत्साहन देगा। हर स्टेक होल्डर को के उसके बीच में संवाद को हमें विकसित करना होगा। याद रखिए, आपका यही योगदान भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।